नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले एमपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 यानी कि मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वह 2020 में कब होने जा रहा है और इनके फॉर्म कब फिलअप किए जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के, क्योंकि सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और इनको वही स्टूडेंट फिलअप कर सकता है जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% है और उन्होंने 12th पास किए इन सब्जेक्टों से, वो इसके योग्य है और केवल फेमेल कैंडिडेट्स। सो स्टूडेंट देख लेते इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की संभावित डेट। सो स्टूडेंट ये है हमारा टाइम टेबल 2020 का, बीएससी नर्सिंग को लेकर, एएनएम को लेकर, जीएनएम को लेकर। अब आप कोई सी भी नर्सिंग कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। सो स्टूडेंट इसमें जो बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएनएसटी, उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 4-5 जुलाई इसमें दी हुई है, बट आपको जून मंथ में एक्टिव रहना है स्टूडेंट, क्योंकि इनके फॉर्म बहुत कम टाइम के लिए रिलीज होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों को साल बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो फिलअप नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है, अगर आप मेरे चैनल पर होना तो कोई टेंशन मत लीजिए फिर तो, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। जो मेरे सब्सक्राइबर है और जिन्होंने बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है ना, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात करें कि एएनएम की, तो एएनएम का तो हमारे 21 जून 2020 को इसमें एक्सपेक्टेड जो डेट है वो दर्शाई हुई है। अगर इनमें कोई भी चेंजिंग आता है तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे चैनल पर इनकी अपडेट मिलती रहेगी आपको। और जो हमारे जनरल नर्सिंग के लिए GNTST होता है उसकी भी संभव डेट क्या है, 4-5 जुलाई इसमें दी हुई है, बट आपको जून मंथ में एक्टिव रहना है थोड़ा सा स्टूडेंट, आपके फ्यूचर का मामला है। थोड़ा सा भी आप इनएक्टिव हो गए तो समझो गए काम से, इसलिए आपको रहना क्या है, एक्टिव रहना है, इनएक्टिव नहीं रहना है। अब आप बोलेंगे कि सर एक्टिव रहने के लिए क्या करें, कुछ नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रख दो, उसका मतलब आप एक्टिव हो। अब बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा, पेपर किस प्रकार से बनेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सभी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ये नहीं है कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, हमारी बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी के कितने आएंगे, जूलॉजी के कितने आएंगे, क्वेश्चन तो तरह तरह के बनते हैं अगर आप इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो ये सारे ख्याल आपके माइंड में चल रहे होंगे, क्योंकि आपको अगर नर्सिंग फील्ड में जाना है तो नर्सिंग हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि बहुत बेस्ट है स्टूडेंट, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपने सोच रखा है तो बहुत इच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स बहुत अच्छे होते हैं और इसमें बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट की संभावना बहुत कम होती है, यानी कि नामात्र होती है। अगर जिसने नर्सिंग कर ली समझो वो सक्सेसफुल है और वो बेरोज़गार बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट अब रही बात हमारे जो काउंसलिंग के रिजल्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग की इंफॉर्मेशन और हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, सिलेबस क्या है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा।